मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु पिछले 5 वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है। आज के दिन हम अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते 8 महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे हैं। आज कई वर्षों बाद देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, जिसका कारण हमारे वीर जवानों की मेहनत व पराक्रम है। नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्यवाही और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी SIA का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने नियत नेलानार योजना शुरू की है। इस शब्द का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई PM जनमन योजना की तरह इस योजना से कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोक हितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है। हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणापुंज अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित किया है। हमने अपने वादों को पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की है। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य की 32,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24,75,000 किसानों को अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इस प्रकार हमारे अन्नदाताओं के खाते में सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर लगभग 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। भूमिहीन किसानों को हमने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए वार्षिक सहायता देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। आज हमारे गांव आर्थिक रूप से संपन्न नजर आ रहे हैं। एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए इससे बढ़कर संतोष की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। हम उनके योगदान का वंदन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों की परंपरा है। तीजा के मौके पर भाई अपनी बहनों को भेंट देते हैं। प्रदेश की माता बहनों को महतारी बंधन योजना के रूप में यही भेंट हम प्रदान कर रहे हैं। 10 मार्च 2024 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल समारोह में 70 लाख माता बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना की पहली किस्त के रूप में 1,000 रूपये की राशि अंतरित की। अब तक इस योजना की 6 किस्त
जारी की जा चुकी है। हमारी माताएं बहनें इससे आर्थिक रूप से सक्षम व आत्मनिर्भर हुई हैं। वे इस राशि का उपयोग अपनी इच्छानुसार बच्चों की पढ़ाई एवं घर के बजट को व्यवस्थित करने में कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल रहा है। जब हम बेटियों को मजबूत करते हैं तो पूरा परिवार मजबूत होता है और मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण से निश्चित ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला मजबूत हो रही है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारे समक्ष अंत्योदय के लिए कार्य करने का आदर्श रखा है। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करने के इसी लक्ष्य के अनुरूप हम अथक कार्य कर रहे हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें सबसे पहले सबको आवास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3 दशकों से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के निकट संपर्क में रहा हूं। उनके करीब रहकर मैंने देखा है घास फूस के आवास में रहने वालों का दर्द क्या होता है। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना लेकर आए तो प्रदेश के लाखों परिवारों को उम्मीदें जगी, लेकिन पिछले 5 सालों में प्रदेश के 18 लाख जरूरतमंद परिवारों के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका। हमने संकल्प लिया कि हम इन 18 लाख परिवारों की पीड़ा दूर करेंगे। शपथ लेने के अगले दिन ही हमारी सरकार ने इनके आवास के सपने को पूरा करने की राह खोल दी। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हांकित 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत करने का निर्णय भी हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिया है। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की आरंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने 4,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। प्रदेश में भूजल की समस्या वाले गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मल्टी विलेज स्कीम के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का काम शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य के 18 जिलों में 70 मल्टी विलेज योजनाओं का काम आरंभ हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है कि इसमें से 39,31,000 परिवारों में हम नल कनेक्शन उपलब्ध करा चुके हैं। हमारे ग्रंथों में सर्वे संतु निरामया की कामना की गई है। किसी तरह की बीमारी हो जाने पर सबसे ज्यादा चिंता आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उठानी पड़ती है। इसे देखते हुए प्रदेश में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77,20,000 परिवारों को 5 लाख रूपये तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का उल्लेख वन अधिकार नियम में नहीं था। इस वजह से नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन जैसे राजस्व संबंधी कार्य संभव नहीं थे। हमने अपने जनजाति और वनवासी भाइयों की पीड़ा को समझा। हमारी सरकार द्वारा उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने का प्रावधान किया है। अब वन अधिकार पत्र धारण करने वाले हमारे जनजाति और वनवासी भाइयों के लिए सीमांकन, नामांतरण, खाता विभाजन जैसे कार्य सहज हो गए हैं। इन वन अधिकार पत्रों को डिजिटलाइज भी किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में वन धन केंद्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वनोपज संग्राहकों की आर्थिक तरक्की की नई राह खोली है। हमारी सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4,000 रूपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर
5,500 रूपये कर दिया है। साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण समय सीमा में भी वृद्धि की गई है, जिसे हमारे भाई बहन अधिक समय तक तेंदुपत्ता संग्रहण कर बढ़ी हुई आय अर्जित कर पा रहे हैं। इस साल 13,05,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को कुल 855,80,00,000 रूपये का भुगतान किया गया है। इनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 1,72,000 अधिक है। युवा हमारे भविष्य हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण हो, इसके लिए हम प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि भर्ती प्रक्रियाओं में की गई अनियमितताएं होनहार युवकों को रोजगार के अवसरों से वंचित तो करती ही है, साथ ही इससे सिविल सेवा की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारी सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हम युवाओं के लिए समान अवसर और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हमारे युवाओं की सफलता दर बढ़े, इसके लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर हमने 185 कर दी है। अब सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के चयनित युवा पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे एवं दिल्ली में कहीं भी निवास करने पर उनको निर्धारित स्टाइपेंड भी प्राप्त होगा, जिससे उन्हें किराए के लिए भी प्रतिपूर्ति प्राप्त होती रहेगी। हमने शासकीय सेवाओं हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी। युवाओं के लिए खेल की सर्वोत्तम अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा गहन प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 31,50,00,000 रूपये की लागत से बनाया जाएगा। वहीं बलौदाबाजार जिले में 14 करोड़ रूपये की लागत से इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जसपुर जिले के कुनकुरी में 33,60,00,000 रूपये की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार युवाओं को उन्नति के लिए हर अवसर प्रदान करेगी, यह हमारा संकल्प है। रोजगार के बेहतर अवसर अच्छी शिक्षा से उत्पन्न होते हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नींव को ठोस करने का काम हमने शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ अपनी बोली भाषा की विविधता से समृद्ध है। हमारे यहाँ कहावत प्रचलित है कि कोस कोस माँ पानी बदले, चार कोस माँ वाणी। प्रारंभिक आयु में बच्चे सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। इसके चलते ही हमने नई शिक्षा नीति के तहत 18 स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों का अपनी भाषा से अनुराग भी बढ़ेगा तथा हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहेगी। स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने एवं यहाँ शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना प्रारंभ की गई है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में हमें 52 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। हम ग्रीन स्कूल तैयार कर रहे हैं। स्कूलों में स्थानीय भाषाओं के साथ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी नए समय के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। प्रदेश के स्कूलों में न्योता भोज का आयोजन भी शुरू किया गया है।
इसमें जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने, समाज की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इससे बच्चों का पोषण विकास तो होता ही है, सामुदायिक भावना का भी विकास होता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने उच्च शिक्षा में भी अपनाया है। इसके चलते हमारे पाठ्यक्रम रचनात्मक होने के साथ ही रोजगार मूलक भी होंगे, ताकि नए समय की जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें और युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन का गठन किया है। हम IIT की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जसपुर में भी इनकी स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार जरूरी है। हमने संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायपुर में मेकाहारा तथा बिलासपुर में सिम्स के भवन विस्तार तथा अन्य सुविधाओं पर काम प्रारंभ कर दिया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने हेतु हम प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम देश की जानी मानी विशेषज्ञ संस्थाओं तथा उद्योग संगठनों की सलाह लेकर कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने देश दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ किए गए हैं उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने, छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय भी हमने लिया है। राज्य में निवेश का बेहतर माहौल हो, इसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम को नवीनीकृत किया है। इससे उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य क्लियरेंस के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उससे छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे आदर्श जगह बन गया है। यहां प्रचुर खनिज संसाधन, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और कुशल मानव संसाधन के बूते उद्योगों के फलने फूलने की प्रचुर संभावनाएं हैं। प्रदेश की भौगोलिक विविधता को देखते हुए हमने सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार की है। बस्तर और सरगुजा में हम वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों, इको टूरिज्म, नेचुरोपैथी आदि पर जोर दे रहे हैं। नवा रायपुर को हम IT हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। राजधानी के समुचित विकास के लिए और यहां उद्यम के अवसरों को बढ़ावा देने हम नेशनल कैपिटल रीजन NCR की तरह ही स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने जा रहे हैं। कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का हमने निर्णय लिया है। इसके अस्तित्व में आने पर इन क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार और भी तेज हो जाएगा। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50% सब्सिडी के साथ हम ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करने वाले हैं। हमारी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिखाई गई सुशासन की राह पर चलकर छत्तीसगढ़ को संवार रही है। सुशासन के मूल्यों को क्रियान्वित करने हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग शासन प्रशासन के हर स्तर पर पारदर्शिता, नवाचार और सुशासन का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रहा है। योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग ऐप भी तैयार किया है। प्रशासन के हर स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए हम विभागों में 266 करोड़ रुपए की लागत से IT टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें अपनाने से मानवीय त्रुटि एवं कुटरचना की आशंका समाप्त हो जाएगी। यह पारदर्शिता की ओर सरकार द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। भ्रष्टाचार के प्रति
जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति को कार्यान्वित करने में इससे बड़ी मदद मिल रही है। गवर्नेंस के हर हिस्से में हम पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं। खनिजों के परिवहन में हमने मैनुअल पद्धति को समाप्त कर दिया है और ई ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः शुरू की है। इसी तरह सरकारी खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हमने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी का निर्णय लिया है। आबकारी नीति में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने, पुरानी व्यवस्था के स्थान पर सीधे कंपनियों से खरीदी का निर्णय हमने लिया है। राजस्व संबंधी प्रकरणों के त्वरित और समय सीमा में निराकरण के लिए हमने तहसीलदारों के अधिकारों का विस्तार किया है। नाम जाति पता की त्रुटि, सिंचित असिंचित रकबा, कैफियत त्रुटि, एक फसली बहुफसली त्रुटि को सुधारने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है, जिससे राजस्व संबंधी परेशानी झेल रहे लोगों की दिक्कत दूर हो सकेगी। केंद्र की तर्ज पर राजनीति आयोग का गठन हमने किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारी सरकार भी इससे कदम ताल करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए राजनीति आयोग द्वारा अमृतकाल विजन 2047 तैयार किया जा रहा है। हमारी दिशा स्पष्ट है, नियत साफ है और हौसला पर्वत जैसा है। निश्चित ही सभी की भागीदारी के साथ अमृतकाल विजन 2047 पर काम कर हम विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़िया लोगों की पहचान देश दुनिया में सहज सरल लोगों के रूप में है। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम मेहनतकश लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। इन्हें सहेज कर रखना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी बोली भाषा, तीज त्योहार, खान पान को सहेजते हुए आने वाली पीढ़ी को इनसे परिचित कराते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है। जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए हम सबका कर्तव्य है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपनी भागीदारी दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान आरंभ किया है। मैंने अपने गृहग्राम बगिया में इस अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। रायपुर में भी मुख्यमंत्री निवास में मैंने दहमन का पौधा लगाया है। आप भी एक पौधा जरूर लगाएं, यह आप सभी से हमारा आग्रह है। यह हमारी पुण्य भूमि का परम सौभाग्य है कि श्री राम हमारे भांजे हैं और उनकी कर्म भूमि भी छत्तीसगढ़ है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरका चौरा से लेकर सुकमा के इंजरम तक कण कण भगवान श्री राम के वनवास काल का साक्षी है। हमारी धरती माता सबरी की पुण्य भूमि है। पवित्र सूर्यनारायण धाम में उन्होंने अपनी अगाध श्रद्धा से जूठे बेर प्रभु को खिलाए थे। वनवास के दौरान बिताए गए 14 वर्षों में से 10 वर्ष प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। रामायण के प्रसंग जनजातीय लोगों से प्रभु श्री राम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्री राम के जनजातीय लोगों के प्रति गहन अनुराग और समर्पण से भरे पड़े हैं। हम जब भी इन प्रसंगों को सुनते हैं भाव विभोर हो जाते हैं। हम धन्य हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि में हुआ है। यह सौभाग्य हमें श्री राम के आदर्शों पर चलकर निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। 500 वर्षों के अहिंसक संघर्ष की पूर्णाहुति अयोध्या धाम में श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में हुई है। हम अपने भाचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है। अयोध्या धाम श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हम हजारों राम भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन के लिए पूर्णतः निःशुल्क भेजने का माध्यम बने हैं। यह पुण्य अवसर हमें श्री रामलला ने दिया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा।
भगवान श्री राम ने एक आदर्श राज की स्थापना की। आप सभी के सहयोग से हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम करते हुए छत्तीसगढ़ को सुखी समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। बहनों एवं भाइयों, लोकतंत्र में भरोसे का संकट सबसे बड़ा संकट होता है। यह तंत्र निश्चित ही जनता का अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा कायम रखने से ही चलता है। कार्यभार संभालने के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती इसी भरोसे को बहाल करने की थी। हमें इस अवसर पर यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हमारी सरकार ने आपसे किए अधिकांश बड़े वायदों को पूरा कर इस विश्वास को फिर से स्थापित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं का सपना ऐसे ही मजबूत लोकतंत्र का था, जहां जनता और उसकी चुनी सरकार भरोसे की ऐसे ही मजबूत डोर में बंधी रहे। वास्तव में यह लोकतंत्र का मजबूत रक्षा सूत्र है, जिसे कभी भी किसी भी लोक सेवक को कमजोर नहीं करना चाहिए। हमारे राज्य निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री सदैव स्वर्गीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण, प्रदेश के व्यापक आर्थिक विकास एवं प्रदेश की सुंदर संस्कृति के संरक्षण के लिए किया है। हमारा दायित्व है कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे के संकल्प के साथ प्रदेश के नव निर्माण की महती कार्य में पूरी लगन से जुटकर अटल जी का सपना साकार करें। राम राम, जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।